एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube फैमिली मैजिकल एजुकेशन में। और दोस्तों, आज जो आपको मैं ये न्यूज़ बताने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत काम की न्यूज़ है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसके बारे में पता चला है। यूपी टेट एग्ज़ाम 2018 के जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो न्यूज़ आई है, मैं आपको वो न्यूज़ बता देता हूँ और क्या हो सकता है, क्या इसमें और भी चीज़ें कही गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ इसमें। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी मुझे मिली, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कुछ और नया आता है तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, पहले तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके कोई छोटे बड़े भाई बहन हो, कोई आपके नॉलेज में ऐसे कोई इंसान हो जो कि JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उसे मेरा अनअकैडमी का एक कोर्स रिकमेंड कर सकते हो, जो उस पर मैं आपके लिए काफ़ी सारे लेसन्स बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फिजिक्स पढ़ाया है, JEE के लिए काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है मैंने यहाँ पर, जैसे कि कॉलिजन, सेंटर ऑफ मास, फ्रिक्शनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आप मुझे इस पे फॉलो करा सकते हो, और आप इसके लिए लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और उस लर्निंग ऐप के थ्रू आप मुझे फॉलो करके सारे लेसन्स वहाँ पर देख सकते हैं। 60 से ज़्यादा लेसन्स वहाँ पर ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, तो आप इसको ज़रूर से देखिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और ये जो न्यूज़ है, ये देखिए, आपका प्रदेश में क्या है कि प्रतिवर्ष होगी अब टेट की एग्ज़ाम। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है यहाँ पे कि अब हर साल होगा। इसके बारे में अभी आपको कहाँ से न्यूज़ है मैं दिखा देता हूँ आपको, नेट पे गूगल पे जाके ये क्या न्यूज़ आई है। फिलहाल ये एक पेपर कटिंग है जिसमें आपका एकदम साफ साफ लिखा है कि हर साल आपके यूपी में या प्रदेशों में TET की एग्ज़ाम कराई जाएगी और शिक्षक भर्ती होगी, ठीक है। इसी में एक अगली न्यूज़ है कि इस बार की जो 2018 की है, वो अक्टूबर, एक सेकेंड, ये रहा, अक्टूबर नवंबर में इस बार होने की आशंका है, ठीक है। माना जा रहा है कि सूत्रों का कहना है कि अक्टूबर नवंबर तक ये एग्ज़ाम आपका करा दिया जाएगा इस बार। तो 2018 का जो आपका एग्ज़ाम है वो होगा अक्टूबर नवंबर में। तो एकदम कमर कस लीजिए कि आपका एग्ज़ाम बस 3-4 महीने बच गए हैं, अब तो जुलाई चल ही रहा है, तो बहुत कम टाइम है आपके एग्ज़ाम में, और इस बार जो अक्टूबर नवंबर तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि नई हैं 2019 के लिए, खास करके वो नए हैं। तो हम लोग चलते हैं वापस अपने गूगल पे, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इस पर हम लोग सर्च कर लेते हैं, एक ट्विटर हैंडल है, @PKPKumar, ये है इनका ट्विटर हैंडल। इस पे हम लोग क्लिक करते हैं और देखिए, इनकी एक न्यूज़ आई थी, इन्होंने कुछ कहा था इसके बारे में, टेट के बारे में। मैं दिखा देता हूँ, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये देखिए, यहाँ पे एक न्यूज़ है कि वी विल ब्रिंग ऑर्डरलीनेस इन टेट एग्ज़ाम। हम लोग ऑर्डर एक टेट एग्ज़ाम में एक नया प्रावधान लाएंगे, यहाँ पर एक नियमित रूप से काम होगा, ठीक है, एक ऑर्डर में काम होगा। इट विल बी हेल्ड एवरी ईयर, ये हर साल अब हेल्ड कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि हर साल एक फिक्स मंथ कर दिया जाएगा कि इसी मंथ में इसी डेट को ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फिक्स डे को ये जो टीचर हैं आपके, फिक्स डे को आपका इनका हो जाएगा इनका सिलेक्शन, ताकि इनको मार्च तक में अपॉइंट कर दिया जाए, और ये अप्रैल का जो न्यू सेशन है वो वहाँ उसमें वो शुरुआत भी कर सके। तो ये आया था डॉक्टर प्रभात कुमार, जो कि बेसिक शिक्षा के सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो इनका ये ट्विटर हैंडल पे था, और इसके थ्रू आपको सीधा सीधा एकदम मान लेना चाहिए कि अब से जो 2019 में जो एग्ज़ाम होगा वो आपका फिक्स हो सकता है कि इसी मंथ में इसी डेट को होगा, ताकि मार्च तक सारे सिलेक्शन, सारे अपॉइंटमेंट्स हो जाएं और अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट हो जाए। साथ ही साथ कुछ दो प्रस्ताव भी रखे गए थे इसमें कि TET में आपका जो है, एक तो क्या हो कि एक साल में 2 बार हो एग्ज़ाम, इसका भी प्रॉबिलिटी बन रही है कि साल में 2 बार भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। और दूसरा है कि सेक्शनल कट ऑफ होगा, मतलब कि अब पहले क्या होता था कि पहले ओवरऑल अगर आप पास हो तो पूरा पास माना जाता था, लेकिन अब हर एक पोर्शन में आपको पास होना होगा। जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपको GS का भी एग्ज़ाम देना होता है, और उसके साथ साथ रीजनिंग भी आती है, तो आपको हर एक चीज़ में पास होना होगा, हर एक में आपका कट ऑफ आना चाहिए, तभी आपको पास माना जाएगा। तो ये एक प्रस्ताव है, अभी इस पर लागू नहीं हुआ है, ये 2019 से होगा कहा जा रहा है, अगर होगा तो 2019 से होगा, अदरवाइज देखा जाएगा इस पे क्या है। तो ये था दोस्तों न्यूज़ आपका यूपी टेट से रिलेटेड। आई होप कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा। और प्लेलिस्ट जरूर से चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मेरे यूपी टेट के बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उनको आप देख कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।